नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। और ब्राकर में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई है, तो क्या न्यामतपुर में जो सबसे ज्यादा जाम लगता है, सबसे ज्यादा अतिक्रमण है, तो इसके लिए आप लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या कार्रवाई कर रहे हैं? न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम लोग पिछले 10-12 सालों से प्रयास कर रहे हैं। फाड़ी में बहुत सारी मीटिंग हुई और हम लोग नगर निगम के प्रशासक के साथ भी बहुत बार बैठे हैं और हम लोगों की ये आशा और कामना है कि न्यामतपुर भी जाम मुक्त हो, क्योंकि न्यामतपुर एक छोटे सा शहर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम है। यहाँ पार्किंग की समस्या नहीं है, यहाँ पर सुलभ की समस्या नहीं है और बहुत सारी समस्याएँ हैं। इसके लिए अगर अतिक्रमण हट जाए तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग अभी पेपर के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये देखे हैं कि आसनसोल नगर निगम बहुत अच्छे से इसके ऊपर कार्य कर रहा है, बढ़ाकर और आसनसोल में अतिक्रमण हटाने का प्रयास भी किया गया है। इसके लिए मैं नगर निगम के सारे प्रशासकों को और सारे जितने भी लोग हैं उनको साधुवाद जनाता हूँ न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, और ये आशा करता हूँ कि न्यामतपुर में भी अतिक्रमण मुक्त होगा और न्यामतपुर में जो जाम की समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके लिए न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो भी करना पड़ेगा, जिस सहयोग की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अतिक्रमण का कारण क्या मानते हैं? अतिक्रमण एक तो मिनी बस स्टैंड नहीं है, मिनी बस जहाँ तक खड़ी हो जाती है, टोटो स्टैंड नहीं है और बहुत सारे दुकानदार हैं जो जिन्होंने नाली के ऊपर में भी अपनी दुकानें रखी हुई है, सामान रखा हुआ है, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि वो भी अपने ये सारा कुछ हटा ले ताकि हम लोग लोगों को जाम मुक्त पर्यावरण दे सके। क्योंकि बहुत सारे हम लोग देखते हैं कस्टमर जो है वो आसनसोल की ओर भागते हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग की समस्या है। अगर ये समस्याएं दूर हो जाएंगी तो न्यामतपुर मार्केट भी और बूम करेगा। न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जाम को लेकर के जो अतिक्रमण है इसे लेकर के कॉर्पोरेशन में ज्ञापन दिया गया क्या? कॉर्पोरेशन में हम लोग बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं, फिर एक बार हम लोग प्रशासक साहब को और श्री अमरनाथ चटर्जी जी को जाकर मिलेंगे। फोर्सबेकी की तरफ से भी जो हमारी मदर बॉडी है उसके तरफ से भी प्रयास किया गया और बहुत बार इसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आसनसोल में की थी और हम लोग जाके श्री अमरनाथ चटर्जी जी से मिले भी थे। और हम लोग जब बढ़ाकर में देख रहे हैं ये कार्य हो रहा है तो न्यामतपुर में भी हो तो न्यामतपुर का 4 चांद लग जाएगा। आपने कहा कि चैम्बर अपने स्तर पर कार्य किया है, तो क्या बात रही जो आप असफल रह गए? नहीं, असफल नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत बार प्रयास किया गया। एक बार सब्जी मार्केट लेकर वहां पर गया भी था क्योंकि सब्जी मार्केट जो है वो बिल्कुल रोड के किनारे बैठते हैं, तो सब्जी मार्केट एक होना न्यामतपुर में बहुत जरूरी है। मछली का एक अलग मार्केट होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए मांस के लिए भी थोड़ी दिक्कत होती है और टोटो ऑटो वाले भी जहाँ तक खड़े हो जाते हैं, खासकर तुरिया रोड मोड़ पे और सीतारामपुर मोड़ में जो टोटो वाले खड़े होते हैं उनके लिए भी सुविधा होती है। तो हम लोग असफल नहीं हुए, हम लोग बहुत बार प्रयास किए हैं, बहुत बार हम लोगों को इसका रिजल्ट मिला भी है, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक प्रेशर रहता है कि गरीब लोग आचे और खेटे खाचे, तो हम लोग किसी को पेट पर लात नहीं मारना चाहते। हम लोग चाहते हैं सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए, जहाँ पर उनको जगह मिले वहां पर वो रहे और दुकानदार भाई अपने दुकान के बाहर अपनी दुकान ना लगाए। यहाँ का जो बोरो प्रभारी है वो भी तो न्यामतपुर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने क्या सहयोग क्या प्रयास किया? देखिए, हम लोगों ने बहुत बार उनसे आग्रह किया, बहुत बार मिले भी हैं। देखिए, उनको आगे आकर ये कार्य करना होगा क्योंकि ये जनमानस का काम है। हम लोग किसी की वोट बैंक वाली राजनीति को छोड़कर अगर हम लोग आगे आकर ये कार्य, आपने कहा कि शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था यानी है, तो आपको क्या लगता है उसके लिए स्थान है, यहाँ पे जगह है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूँ न्यामतपुर एक बहुत छोटी जगह है और बाजार बहुत छोटा है, इसके लिए जगह हमें मिलकर खोजना पड़ेगा। खोजने से क्या नहीं मिलेगा, असंभव नहीं है, पर इसके लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। अगर हमारी कार्य प्रणाली अच्छी होगी, कार्य क्षमता होगी, तो हम जरूर कर निकल जाएंगे। FCI को लेकर भी कोई समस्या होती है क्या? FCI लेकर तो बहुत बड़ी समस्या है, इनके लिए मैं आग्रह करूंगा श्री सुभाष दुकानिया जी थोड़ा प्रकाश डालें। FCI जो है बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जब FCI में रैक लोडिंग होकर यहाँ माल जब आता है रैक से, उस समय यहाँ पर जाम की व्यवस्था बहुत समस्या हो जाती है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग ने बहुत प्रयास किया था और उसी प्रयास के तहत हर ये जो म्यूनिसिपल होल को सीधा डायरेक्ट करके इधर से गाड़ी सब अंदर जाने लगी है, जिसके चलते पहले की तुलना में जाम बहुत कम हो रहा है। अभी भी तो होती है, होती है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम है क्योंकि इधर गाड़ी को खड़ा होने के लिए भी काफ़ी जगह मिलती है, यहाँ से लेके एकदम म्यूनिसिपलिटी तक गाड़ी खड़ी रहती है। अगर नहीं, आए दिन देखा जाता है टोटो वाला से और गाड़ी जो आप रिक्शा के गाड़ी वाले उससे आए दिन झमेला होता है इस जाम की वजह से। जाम की वजह से होता ही है, वो तो होगा ही। सबसे बड़ी बात ये है कि जाम कौन कर रखा है,
जाम हम व्यापारी किए हैं, आप व्यापारी किए, चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, जाम हम लोगों ने किया है। व्यापारियों द्वारा लोडिंग अनलोडिंग के लेके भी जाम हम लोग अपनी सुविधा देखते हैं, लेकिन मेरी सुविधा के चलते मेरा बगल वाला अगर तकलीफ पा रहा है उस पर मुझे चिंतन करने का समय नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सब सुखी रहेगा तभी हम सुखी रह सकते हैं, किसी एक व्यक्ति के सुखी रहने से। सर इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान सब है कि उसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएं, जैसे मछली मार्केट अलग हो, सब्जी मार्केट अलग हो, टोटो स्टैंड अलग हो, एक छोटा सा नियामतपुर जगह है उसमें भी क्या है, उधर सब जगह गवर्नमेंट की जमीन ज़्यादा है, इधर एफ सी आई गोडाउन है, बॉयलर इंस्पेक्टर है, उधर आपका टहरम कारखाना है, सोदपुर वर्कशॉप है, इधर बाकर साइड में थोड़ा सा बढ़ने का जगह था, यहीं पर दुकानें बढ़ी हैं, नहीं तो और कहीं भी जो है यामतपुर बाजार को बढ़ने के लिए जगह नहीं है, अपने आप में सिमट के रह गया। इसीलिए हमको यदि इसको सुधारना होगा, इसकी जाम की समस्या यदि समाप्त करनी होगी, तो हमें आगे बढ़कर कुछ ऐसी जगहों का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ पर हम अपने दुकानदारी को नए सिरे से शुरू कर सकें। और उसमें सबकी जो छोटे बड़े दुकानदार जितने हैं, आज एफसीआई की समस्या, एफसीआई के बगल में दोनों साइड दुनिया की गुमटी बन गई है, आज उनको हटा दें ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, कारण कि उसी से उसकी रोजी रोटी परिवार चल रहा है, लेकिन उसके लिए हम सब मिलकर समाधान खोजेंगे, हमारे समाधान में वो भी शामिल हो, वो भी अपनी राय दे कि भाई उनको वहाँ से शिफ्ट करके कहाँ लाया जाए ताकि उनकी भी रोजी रोटी चले और लोगों को भी आराम मिले। आपका परिचय? सुभाष चंद्र अग्रवाल। अच्छा, नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो भी व्यवसायिक संगठन है, आप भी व्यवसायिक संगठन है, दोनों का क्या तालमेल है, दोनों का क्या सहयोग रहता है नियामतपुर बाजार में व्यवसायिक समस्याओं को लेकर? देखिए, तालमेल बहुत अच्छा है, कभी भी कोई समस्या होती है हम लोग मिलकर भी कार्य करते हैं, और इसके लिए नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर हो चाहे नियामतपुर चैम्बर हो, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि नियामतपुर साफ सुथरा ना रहे और नियामतपुर में अतिक्रमण रहे, हम लोग दोनों मिलकर जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगा प्रयास करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आपका परिचय सर? गुरविंदर सिंह सचिन, नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स।